जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया कर्मियों से बात की और जोधपुर दौरे पर आए पीएम मोदी की उनको पीएम मोदी को निशाने पर लिया। संदर्भ में कहा नहीं मुझे जानकारी है, पर मैं ये बार बार कहता हूँ कि बीजेपी आरएसएस मोदी जी अमित शाह जी जिस माहौल बनाया हुआ देश के अंदर उसमें प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से भावात्मक मुद्दे काम लेके चुनाव जीतना चाहते हैं और हम बार बार कहते हैं कि ये चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद जो कहावत है उस ढंग से चल रहे हैं लोग, भावात्मक मुद्दे लेके बोलते हैं, छापे पड़वाते हैं इनकम टैक्स के सीबीआई के लोगों पर, तो डेमोक्रेसी में जो एक परंपराएं होती है उसको नष्ट कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में आलोचना करने वालों को दुश्मन नहीं माना जाता है, वो भी हमारा दोस्त ही है, आलोचना करेगा तो हमें कुछ सीख मिलेगी, हो सकता है हम उसको सुधार कर लें अपने आप को, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी ये नहीं कि अगर आप आलोचना करें इसका मतलब आपको दुश्मन है, हर बात उनकी झूठी है, असत्य है, झूठे आरोप ये नहीं होना चाहिए। वो परंपरा मुझे दिखने रही है, इधर हर व्यक्ति को डर लगता है पता नहीं ये क्या करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि चुनाव जीतने के बाद में पता नहीं चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे, ये माहौल जो देश बना है ये बहुत खतरनाक माहौल बना हुआ है। इसका जवाब तो बीजेपी को देना चाहिए, जिस प्रकार से वो देश पूरा मांग रहा है, जिस प्रकार वो बोली है परसों करकरे के बारे में, जो देशभक्त था अशोक चक्र मिला हो फिर बीजेपी ने पल्ला झाड़ा उनसे, उससे क्या मतलब, परसों टिकट दिया आपने आप पल्ला झाड़ रहे हो, तो ये बोल जो बोल रहे हैं हम घमंड में बोल रहे हैं लोग, और ये मैं समझता हूँ जनता सबक सिखाएगी इन सबको। कितनी बार करवाओगे मुझसे, नोटबंदी बड़ा स्कैम है, नोटबंदी बड़ा स्कैम है, और सरकार हमारी बनेगी तो हम तो मांग करेंगे यूपीए गवर्नमेंट से कि इनकी जांच होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि नोटबंदी अपना बड़ा स्कैम हुआ है देश के अंदर, इसीलिए बीजेपी पर पैसे कमी नहीं है और पार्टी तकलीफ आ रही है। डेमोक्रेसी में मैदान जो है सबके लिए बराबरी का होना चाहिए, बराबरी का मैदान नहीं होकर के आप एक तरफ मैदान खेलोगे तो डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी, मेरा मानना ये है। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं सर बाढ़ में कल, वो तो मैं कह चुका हूँ, आओ जोधपुर में रोड शो करो मुझे खुशी होगी, ये अपने हार पहले ही मान चुके हैं, इसलिए अब लोग ये बौखलाहट के अंदर सब कदम उठाएंगे, उठाने दीजिए। पूरे जोधपुर वासियों का प्यार, उनकी सद्भावनाएं, उनकी शुभकामनाएं, उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है 38 साल से, जब से मैं एमपी बना हूँ। मेरा सौभाग्य है कि 38 साल के बाद में ही वही आशीर्वाद, वही प्यार, वही मोहब्बत मेरे साथ में, वही स्नेह, वही विश्वास कायम में रख सका, ये मेरी बड़ी पूंजी है, ये मैं मानता हूँ। और मैं मानता हूँ कि जो काम हमने किए हैं, ऐतिहासिक काम जोधपुर में किए हमने, पानी के, बिजली के, रेलवे के, इंदिरा गांधी कैनाल के, बड़ी बड़ी संस्थाएं, एम्स हो, आईआईटी हो, लॉ यूनिवर्सिटी हो, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हो, पुलिस यूनिवर्सिटी हो, कृषि विश्वविद्यालय हो, 6 विश्वविद्यालय तो हो गए जोधपुर के अंदर, तो इस प्रकार से जो काम किया है वो काम को आप जिताओ एमपी को, कड़ी से कड़ी मिलेगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम कामों को और आगे बढ़ाएंगे। और जो अपेक्षा की है जोधपुर की पिछली गवर्नमेंट ने, स्मार्ट सिटी भी नहीं बनने दी, वो हमारी बेइज्जती थी जोधपुर वासियों की। स्मार्ट सिटी कब बनती है अलग बात है, जहाँ घोषणाएं अभी बनी नहीं पूरी, पर एक एक जोधपुर शहर को इग्नोर कर दिया आपने राजस्थान के अंदर, वो मैं समझता हूँ जोधपुर वासियों की बेइज्जती करने का प्रयास किया, क्योंकि मैं ऐसे मुख्यमंत्री था, तो वसुंधरा जी को नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट थी, केंद्र सरकार बनाती है स्मार्ट सिटी, उनको जोधपुर जनता माफ नहीं करेगी, ये मेरा मानना है। गुजरात जा रहे हैं सर आप, गुजरात भी राजस्थान भी साथ साथ दौरे चल रहे हैं मुख्यमंत्री, मैंने कहा ना आपको ये चुनावी जुमले होते हैं, अपने भाव बढ़ाओ तो ये बात कह दो आप, ये नहीं कहा कि मेरी लड़ाई राहुल गांधी से है, ये उन्होंने कृपा करी है मेरी, इसलिए कोई बात नहीं, मैं तो खुद साधारण कार्यकर्ता हूँ, यहाँ के एमएलए हूँ, मैं उस ऐसे ही काम कर रहा हूँ। आप देखा होगा 25 दिन के अभियान में मैं सिर्फ दूसरी बार कल आया हूँ 25 दिन के अभियान में, तो कैसे कह सकते हैं कि कोई मेरे उनका संघर्ष मेरे से है। वैभव गहलोत कुछ सक्षम है, विपक्ष की पार्टियों से, विपक्ष के उम्मीदवार से कैंपेन करने में, मुकाबला करने में और कामयाब होने के अंदर वो सक्षम है, और कार्यकर्ता ने उनको बुलाया है
अगर जोधपुर के अंदर यहाँ की जनता ने पुकारा है, उनकी भावना के अनुरूप ही उनको टिकट मिला है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ की जनता सब मिलकर उसको आशीर्वाद देगी, उसको कामयाब करेगी। मैं कोई नई बात नहीं है, मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूँ, हर बार मुख्यमंत्री था। सिटी के अंदर मैं जाता हूँ तो कार से नहीं जाता हूँ, क्योंकि लोगों को तकलीफ होती है, ट्रैफिक जाम होता है, 5-7 कारें साथ चलती है। आज तक मेरा इतिहास है, जब जब मैं शहर में गया हूँ हमेशा मैं ऑटो में गया हूँ, क्योंकि मेरे लिए नई बात नहीं है, मेरे लिए नई बात नहीं। जब मैं 20 साल पहले मुख्यमंत्री था तब भी ऑटो में जाता था, मुख्यमंत्री में नहीं था तब भी मैं ऑटो में जाता था। सिटी में ऑटो में जाने की सुविधा रहती है, तो अब वो मैंने किया है, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं कि आम आदमी के साथ जुड़ने के लिए मैं कोई प्रयास करूँ। आज मैं आदमी के साथ तो मेरी जिंदगी बचपन से जुड़ी।